हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लाऊँ जिसमें आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये फोटो एडिटिंग माता के ऊपर है, तो मैं आपके लिए इस फोटो को लेके आया हूँ ताकि आप भी ऐसी फोटो बना सकें और इंस्टाग्राम पे डाल सके या फेसबुक पे डाल सके। तो जिसने तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं एडिटिंग की तरफ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पिकार्ट में आएंगे। पिकार्ट में मैंने बैकग्राउंड ले लिया है, तो सर तो देखिए बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। तो उसके बाद जाएंगे हम टूल में, टूल में जाके क्रॉप करेंगे, क्रॉप में जाके पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बैकग्राउंड को क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँगा और सारे बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं मॉडल लेंगे, सॉरी एक मिनट, स्टिकर पर जाकर मैं मॉडल ले लेता हूँ। कटआउट मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो मैं फ़ोटो को लगा दूँगा। यहाँ से जाके ये लगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया फ़ोटो को। ठीक है, यहाँ से मैं फ़ोटो लगा दूँगा। तो कटआउट की वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर जिसको कटआउट नहीं आया तो जाके देख लें वीडियो, चैनल पे सबसे ऊपर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं मॉडल को सेट कर, इसको सेट कर लेता हूँ फोटो को। फोटो को सेट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे पीएनजीस। तो यहाँ से मैं पीएनजीस लगा देता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं पहले सबसे पहले कलर पीएनजी लगाऊंगा। कलर पीएनजी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलीज कर लेना बीच में ताकि यहाँ पर कलर आ रहा हो जो फालतू, उसे हटा देंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे हम, इसमें एक और पीएनजी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये पीएनजी कुछ इस तरह की होगी, इसे लगाना है बिल्कुल कोने में थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ से अभी इसे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद और पीएनजी ऐड करनी है। ठीक है, तो ये वाली पीएनजी हम ऐड करेंगे। देखिए आप, तो ये वाली पीएनजी ऐड करता हूँ मैं, ऐड कर देते हैं ये दूसरी वाली पीएनजी। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पहले। तो अगर आप पीएनजी को अच्छे से सेट करना सीख गए ना, तो आपकी फ़ोटो और अच्छी बनेगी। ठीक है, तो पहले पीएनजी अच्छे से लगाना सीख लीजिए। ठीक है, जितने अच्छे से पीएनजी लगाओगे उतने अच्छे से फ़ोटो आई मस्त बनेगी। ठीक है, तो ये भी देखिए मैंने लगा दिए, ऐसे राइट क्लिक कर दूँगा और इसमें एक और पीएनजी ऐड करूँगा। तो दोस्तों, इसमें पहले पीएनजी ऐड करने के बाद मैं ये पीएनजी ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये लग गई है, देखिए टेक्स्ट भी एडिट करेंगे। ठीक है, तो उससे वार की आवाज़ आ रही है, तो इस पर ध्यान मत दो। तो ये वाली मैं पीएनजी ऐड करूँगा, ये भी मैंने खुद ने बनाई है। तो आप इसको बड़ी करके भी लगा सकते हो फोटो के आगे, और छोटी करके भी लगा सकते हो। मेरे को ऐसे अच्छी लग रही है तो मैं ऐसे लगाऊँगा, आप अपनी वही चीज़ लगा लेना आपको जैसा अच्छा लगे फ़ोटो में। तो यहाँ से मैं लगा लूँगा और यहाँ से मैं फ़ोटो को सेव कर लूँगा। तो चलते हैं अब लाइट रूम की तरफ, यहाँ से फोटो को सेव कर लेते हैं। एक मिनट, ये हो गई है और ये आ गए हम लाइट रूम में। लाइट रूम जाके हम सीधा ऑटो पर क्लिक करेंगे उस वाले पे। ठीक है, फिर इसमें एक्सपोज इसकी कम कर देंगे, हल्की से बढ़ाएंगे, फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हाईलाइट कम कर देंगे, शेडो बढ़ा देंगे, वाइटनेस कम कर देंगे इसकी। ठीक है, तो ये मिक्स पर जाएंगे, ऑरेंज कलर पर जाएंगे, सॉरी एक मिनट, रेड कलर पर ही रहना है अपन को, क्योंकि ये देखिए माता के यहाँ पर रेड कलर आ रहा है ना, तो इसको आप अपने डार्क कर लेना हल्का सा बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, इधर मॉडल को थोड़ा मतलब ब्राइट कर लेना ताकि अच्छी लगे फोटो। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट उस पर जाना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देना है, इसको सैचुरेशन को बढ़ा देना है। इसमें भी थोड़ी यही करनी है, सैचुरेशन बढ़ा देंगे। उसको देंगे ब्लू कलर पर, एक मिनट, ब्लू कलर पर गए और इसकी हुई कम कर देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हम जाएंगे नीटेज बढ़ाएंगे इसी पहले। ठीक है, उसके बाद टेक्सचर बढ़ाएंगे, क्लैरिटी बढ़ा देंगे हल्की सी। क्लैरिटी बढ़ाने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, नॉइस रेडिएशन बढ़ा देंगे, कलर नॉइस रेडिएशन बढ़ा देंगे। तो जितना अच्छे से आप ये करोगे ना, उतनी जितनी फोटो स्मूथ करोगे उतनी फ़ोटो बेस्ट लगेगी। तो आप ये भी इस चीज़ का भी मेन ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने फ़ोटो को देखी, एक मिनट, अब जाएंगे नेक्स्ट। इस यहाँ पे अपनी फ़ोटो बन चुकी है, पर मैं इसमें एक रीसेट ऐड करना चाहता हूँ। ये क्रिएट पे गए हम, क्रिएट पे क्लिक करा, क्रिएट पे कूल लाइट पे गए, ये कूल लाइट पे गए, देखिए फ़ोटो कितनी अच्छी बन गई है। देखिए तो दोस्तों, फ़ोटो देखिए कितनी अच्छी बनी है। ठीक है, देखिए बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, तो जिसने अभी तक तो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और देखते रहे हमारी वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।